असंगठित कामगार कांग्रेस संगठन ने स्वसहायता समूह व रसोईया के वेतन वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने स्वसहायता समूह की बहनों का वेतन बढ़ाने की मांग की है। छिंदवाड़ा में असंगठित कामगार कांग्रेस संगठन ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने मांग की है कि स्वसहायता समूह की जो महिलाएं भोजन बनाती हैं उनका वेतन मान बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपए से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। वहीं कामगार प्रकोष्ठ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं की सैलरी 2,000 की बजाय 9,000 होनी चाहिए। साथ ही संगठन के उपाध्यक्ष ने कहा कि जब सरकार लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए दे सकती है, तो फिर स्वसहायता समूह में काम करने वाली इन बहनों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ा सकती है? हम लोग यहाँ पर मध्याह्न भोजन की रसोईया जो है और आजीविका मिशन की जो दीदियाँ हैं, इन लोगों को मध्याह्न भोजन की जो रसोईया हैं, इन लोगों को 2,000 सैलरी मिलती है। कम से कम हमारी मांग है कि इन लोगों को 9,000 रुपये महीने मिलना चाहिए। जो कलेक्टर रेट पे मजदूरी रेट है, कम से कम वो तो मिलना चाहिए। और आंगनबाड़ी की जो दीदियाँ हैं, इन लोगों को 500 रुपये मिलता है। इतनी महंगाई के दौर में 500 रुपये में होता क्या? तो कम से कम इनकी भी सैलरी बनना चाहिए 5,000 रुपये महीने। यही हम लोगों ने मांग रखी। पूरी नहीं हुई तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन समर्पित सौंपा है जो सरकार को। हम बताना चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से महिलाओं के प्रति उदासीनता की भावना और निर्विरोध एक प्रकार से विरोध की भावना जो उत्पन्न करके काम कर रही है, वो गलत है। हम चाहते हैं कि समूह की महिलाओं को जिस उद्देश्य से समूह का बनाया गया है, उस समूह को उस तरीके की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। समूह की महिलाएं जो मध्याह्न भोजन में काम करती हैं, उनको 2,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है, मगर हम चाहते हैं कि उन महिलाओं का दैनिक वेतन बढ़ाया जाए, कलेक्ट्रेट दर पे उनको वेतन दिया जाए। और सरकार से हमारा निवेदन है कि समूह की प्रति महिलाओं को जो लाडली बहना योजना के नाम पर वो 1,000 दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि समूह की प्रति महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 2,000 रुपये प्रति महीना दिया जाए। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।